हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम जॉइन इंडियन कोस्ट गार्ड में आई हुई वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, ये वैकेंसी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से आई हुई है। इसमें नेविक जनरलिटी या नेविक डायनेमिस्टिक ब्रांच के लिए वैकेंसी आई हुई है। दोस्तों, आप इसके फॉर्म को 5 जनवरी 2021 से 19 जनवरी 2021 तक अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करते हैं। दोस्तों, इसमें नेविक जनरल ड्यूटी के लिए क्वालिफिकेशन एंड एजुकेशन 12th पास विथ मैथ एंड फिजिक्स के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नेविक डायनेमिस्टिक ब्रांच के लिए 10th पास फ्रॉम एन एजुकेशन ब्रांच रिकॉग्नाइज्ड बाय काउंसलिंग अ बोर्ड के कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, यांत्रिक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए इसमें 10th पास आउट कैंडिडेट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें एज लिमिट की, कि इस वैकेंसी में एज लिमिट कैसे रखी गई है। तो इसमें मिनिमम 18 साल एंड मैक्सिमम 22 साल की एज लिमिट रखी गई है दोस्तों। एंड दोस्तों, इसमें एज रिलैक्सेबल एज भी रखी गई है, जिसमें ST SC के लिए 5 साल एंड OBC के लिए 3 साल की रिलैक्सेबल एज रखी गई है। दोस्तों, अब बात करते हैं इसमें वैकेंसीज की, कि इसमें किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसी दी गई हैं। तो इसमें जनरल नेविक जनरल ड्यूटी के लिए 260 वैकेंसी दी गई हैं दोस्तों, जिसमें UR के लिए 114, EWS के लिए 33, OBC के लिए 83, ST के लिए 7 एंड SC के लिए 23 वैकेंसी हैं। इसमें नेविक डायनेमिस्टिक ब्रांच के लिए 50 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से UR के लिए 22, EWS के लिए 6, OBC के लिए 8, SC के लिए 3 एंड SC के लिए 11 हैं। इसमें यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 31 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से UR के लिए 13, EWS के लिए 3, OBC के लिए 7, ST के लिए 4 एंड SC के लिए 4 वैकेंसी हैं। इसमें यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 7 वैकेंसी दी गई हैं, जिसमें से UR के लिए 4 हैं, AWS के लिए 1 हैं, OBC के लिए 1 एंड SC के लिए 1 वैकेंसी दी गई हैं। इसमें यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10 वैकेंसीज हैं दोस्तों, जिसमें से UR के लिए 7 हैं, OBC के लिए 2 हैं एंड SC के लिए 1 वैकेंसी दी गई हैं। दोस्तों, इसमें टोटल 358 वैकेंसीज आई हुई हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की। तो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रखा गया है दोस्तों, इसमें 4 स्टेज में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहले स्टेज में आपका इसमें यहाँ पर राइटन एग्ज़ाम लिया जाएगा, एंड सेकंड स्टेज में आपका फिज़िकल टेस्ट लिया जाएगा दोस्तों, जिसमें से आपको 101.6 किलोमीटर का रन करना पड़ेगा एंड बीन स्क्वायर अप करने पड़ेंगे, 10 पुशअप करने पड़ेंगे। इसके थर्ड स्टेज में आपका फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेज के मेरिट लिस्ट के हिसाब से क्लियर किया जाएगा, जिसमें आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाएगा। एंड इसके फोर्थ स्टेज में आपका कैंडिडेट्स को अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को सबमिट करना पड़ेगा। दोस्तों, अब बात करते हैं कि आप इसके फॉर्म को कैसे सबमिट कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों, या फिर आप अपने फॉर्म को ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, आप इसके फॉर्म को 5 जनवरी 2021 से 10 बजे से लेकर के 19 जनवरी 2021 को 18 बजे तक इसके फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसके फॉर्म को सबमिट करने के लिए एलिजिबल हों, ज़रूर आप इस फॉर्म को सबमिट कीजिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।